नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक शादी खूब चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पर एसडीओपी संतोष पटेल देसी स्टाइल में साइकिल पर अपनी दुल्हन को बैठाकर देवी देवता के पूजन के लिए ले गए। एसडीओपी संतोष पटेल ने बेहद ही सादे तरीके से हिंदू रीति रिवाजों और संस्कृति और संस्कारों के साथ शादी की है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। बता दें कि पृथ्वीपुर एसडीओपी संतोष पटेल का कहना है कि वो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते कार से ना जाकर साइकिल से गांव में दादा दादी के चबूतरे पर पूजा करने गए थे। संतोष पटेल की इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी वो आधुनिकता को छोड़ देसी अंदाज में पर्णय बंधन में बंधे। दादा दादी के चबूतरे पर पूजा करने गए संतोष पटेल। पृथ्वीपुर एसडीओपी संतोष पटेल का जन्म पन्ना में हुआ था। उनका विवाह 29 नवंबर को चंदला की गहरावन गांव में रहने वाली रोशनी के साथ संपन्न हुआ। शादी की सभी रस्में बड़ी ही सादगी के साथ पूरी की गई और दुल्हा दुल्हन को लाने ले जाने में भी कार नहीं बल्कि पालकी का इस्तेमाल किया गया। इस अनूठी शादी में लोगों को हजारों साल पुरानी संस्कृति की झलक देखने को मिली। पुरातन परंपरा के साथ सादगी भरे विवाह समारोह में जब दूल्हा दुल्हन को हाथे लगवाने की रस्म हुई, तब भी एसडीओपी संतोष पटेल ने पर्यावरण प्रदूषण का संदेश दिया और खुद ही बिना साइकिल से दुल्हन को लेकर पहुंचे। एसडीओपी संतोष पटेल ने सादगी पूर्ण तरीके से संपन्न हुए अपने विवाह समारोह की तस्वीरें और वीडियो फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया पर डाली हैं, जो काफी वायरल हो रही हैं और लोग एसडीओपी साहब की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज।